राशन की दुकान में मिलने वाले चावल में प्लास्टिक चावल मिलने की शिकायत आई है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि राशन के चावल में गड़बड़ी है, ये प्लास्टिक का चावल राशन में बेचा जा रहा है। शिकायत पर नागरिक आपूर्ति विभाग के अफसर मौके पहुंचे और चावल के सैंपल जांच कराने ले गए। दरअसल इस समय रमजान का पवित्र माह चल रहा है, ऐसे में राशन दुकान से चावल का वितरण किया गया। अधिकांश परिवारों में चावल खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई और जिसकी शिकायत पेट दर्द उपभोक्ताओं ने सबसे पहले क्षेत्रीय पार्षद इस्माइल अंसारी से की। वहीं जब इस संबंध में नागरिक आपूर्ति अफसर सुरेश कुमार से चर्चा की गई तो प्रारंभिक जांच सामने आई है कि चावल फोर्टिफाइड है और इसमें एक क्विंटल पर 1 किलो चावल के दाने फोर्टिफाइड के मिलाए जाते हैं, जिसको पीस कर फोलिक एसिड बनाया जाता है। से चावल आ रहे हैं तो चावल में प्लास्टिक के चावल निकल रहे हैं, तो हमने आगे भाई के थोड़ा कलेक्टर मैडम को शिकायत की, तो कलेक्टर मैडम ने बोले कि भैया हम अधिकारी को खाद्य अधिकारी जो है तो उनको स्पॉट पर भेजते हैं, स्पॉट पर आप जांच कराइए। तो खाद्य अधिकारी आए थे, जांच करके गए, उनका कहना यह है कि इसमें शासन की तरफ से फोर्टिफाइड जो आता है चावल वो मिक्सिंग कराई उन्होंने, तो फिर भी हमने बोले कि भाई आप इसमें देख लीजिए, यहाँ ये संतुष्टि नहीं हो रही है, आप जांच करा लीजिए। तो बोले हम जांच करा लेते, अगर ऐसा कोई गलत हुआ तो हम संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? इस्माइल अंसारी, पार्षद वार्ड नंबर 9 साहब। जो है वहाँ पर प्लास्टिक का चावल कुछ वितरण हो रहा है, तो उस दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो देखा, तो देखने के बाद ये है कि अभी जो चावल बट रहा है पूरे शहर में वो फोर्टिफाइड राइस बट रहा है, उसमें जो है 1 क्विंटल के ऊपर 1 किलो चावल के दाने अलग से मिलाए जाते हैं और फोर्टिफाइड राइस के रहते हैं वो, जिसको पीस करके फॉलिक एसिड और अन्य प्रकार का बनाया जाता है, जिसमें खून की कमी, गेंगा रोग ऐसा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल की जा रही है और पूरे प्रदेश में ये वितरण किया जा रहा है, पूरे देश में ये चीज़ बट रही है।